हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार रॉयज इंग्लिश कॉर्नर में स्वागत है। आज एक नया पोएम लेकर हम आपके सामने आए हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। फ्लेमिंगो का ये पोएम नंबर 2 है, दूसरा पोएम है। इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक बार बढ़िया से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले ही, और सब्सक्राइब करने के बाद पूरा वीडियो को आप देखें। दो पार्ट में ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे पोएम को बढ़िया से अगर समझना है तो दोनों पार्ट बिना स्किप किए आपको सावधानी से पढ़ना होगा, और मुझे यकीन है कि अगर आप ध्यान से वो दोनों वीडियोज़ आप देख लें तो ये पूरा पोएम आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाए। और सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड नोट्स के साथ, थीम, इंट्रोडक्शन, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, पोएटिक डिवाइसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग। ठीक है, तो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग सर स्टीफन हैरल्ड स्पेंडर पोएट के बारे में जानते हैं। सर स्टीफन हैरल्ड स्पेंडर 28 फरवरी 1909 में इनका जन्म हुआ था, और 16 जुलाई 1995 में उनका डेथ हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश अंग्रेजी पोएट थे, मतलब इंग्लैंड के पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और एसेइस्ट थे। ऐसे भी लिखते थे, नॉवेल भी लिखते थे, पोएट भी। ही कंसेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड द क्लास स्ट्रगल थ्रू हीज वर्क। उनकी रचनाओं की एक खास विशेषता है, उनकी सभी रचनाओं में वो कंसेंट्रेट करते थे दो विषय पे, सोशल इंजस्टिस यानी सामाजिक जो अन्याय है उस पर, एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास इनइक्वालिटीज, मतलब ये जो वर्ग है, अलग अलग समाज में अलग अलग तबके का जो वर्ग है, ऊंचा नीचा, नीचे जाति का, अमीर गरीब, इस प्रकार का जो क्लास का जो डिफरेंसेस है और उसमें जो स्ट्रगल होता था एक, ये उनका मुख्य रचनाओं में विषय होता था। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड द 17th पोएट लॉरेट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस इन 1965। उनकी प्रसिद्धि को देखकर उनको 17th पोएट लॉरेट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया पोएट्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस इन 1965। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस 1965 में उनको 17th पोएट लॉरेट कंसल्टेंट पोएट्री के लिए चुना। नोटेबल वर्क्स, ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं इनकी है, लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, और उनका जो अवार्ड मिला था लांबा लिटरेरी अवार्ड फॉर गे फिक्शन, गे फिक्शन के लिए उनको लांबा लिटरेरी अवार्ड मिला हुआ था। ठीक, अब हम लोग थीम पर डिस्कशन करेंगे। थीम ऑफ द पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम स्प्लेंडर ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट द थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। जैसा कि बताए कि समाज में जो व्याप्त अन्याय है और जो वर्गीकृत है, ऊंच नीच, जातिगत, अमीर गरीब, इसके बीच जो एक असमानताएं हैं, एक जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इस पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा। इट क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। ये सवाल उठाता है ये पोएम, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन ए स्लम। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाता है कि उनकी क्या वास्तविक पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन पर ही क्वेश्चन उठा देते हैं। पॉवर्टी इज ऑल्सो अनदर थीम ऑफ द पोएम। गरीबी एक सबसे बड़ी एक थीम का है ये। द पोएट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ चिल्ड्रेन इन पॉवर्टी, और इस पोएम में हम देखेंगे बहुत सारे इमेजरी का
यूज पॉइंट ने किया है, क्रिएट किए हैं चिल्ड्रेन की गरीबी को दर्शाने के लिए, और उससे क्या होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, एक आभासी चित्र हम सभी रीडर्स के आंखों के सामने आ जाता है। इट इज प्रॉवर्टी दैट हैज कॉज द चिल्ड्रेन टू बी वेट डाउन डिजीज्ड एंड ट्विस्टेड। ये गरीबी ही है जिसके कारण बच्चे उस गरीबी के कारण सर को झुकाए हुए नीचे बैठी हुई है। बच्चे बच्चों को अपने विरासत में अपने घर के माता पिता से ऐसी बीमारियां मिली है जिस बीमारी के चलते उनके जो बोन्स है वो ट्विस्टेड है, टेढ़े मेढ़े हैं, कमजोर हैं। इट एक्सपोजेस द वाइड स्प्रेड नेग्लेक्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन। ये पोएम ऐसे ही बच्चों के प्रति जो उदासीनता है, चारों तरफ जो उनके प्रति एक उपेक्षा है, वो इस पोएम में दर्शाया गया है। हु आर अनकेयर्ड फॉर, जिसके प्रति लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, दे आर जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स माने होता है जंगली पौधा, जो अनवांटेड होता है, अपने से निकल जाते हैं। इन बच्चों को रूटलेस वीड्स कहा गया, कंपेयर किया गया। रूटलेस का मतलब जिसका जड़ ही नहीं है, और वीड्स का मतलब होता है जंगली प्लांट्स। तो जंगली प्लांट्स रूटलेस जैसे होते हैं, उसी तरह से ये बच्चे को कंपेयर किया गया है। यहाँ रूटलेस का मतलब बच्चों का क्या हो गया कि इनका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, जीवन का कोई आधार ही नहीं है। जैसे रूट नहीं होता है पौधे में, उसी तरह से इनका कोई आधार ही नहीं है, कोई स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, इसलिए इनको रूटलेस वीड्स कहा गया। बट द पोएम डज नॉट ड्वेल अपॉन पैसिमिज्म। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी निराशा, इतना कष्ट होने के बावजूद, इस पोएम में कभी भी पेसिमिज्म नहीं दिखाया है। इसका तो मतलब निराशावादी विचार नहीं दिखाया है। इवन इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ द एडुकेटर्स। पोएम जब अंत होगा तो भी देखेंगे एक हैप्पी नोट, एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ पोएट जो है इस पोएम को समाप्त करते हैं। मतलब कभी भी निराश नहीं है वो अभी भी आशावादी हैं कि इनकी स्थिति कभी ना कभी सुधरेगी। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ द एडुकेटर्स, और ये हाईलाइट करता है जो तमाम हमारे शिक्षाविद होते हैं, एजुकेटर, शिक्षाविद, उनके लिए उनका भूमिका क्या होनी चाहिए इन बच्चों के प्रति, इस पर भी क्वेश्चन किए हैं, इसको भी उठाया गया है। फॉर्म ऑफ द पोएम, अब हर एक पोएम का जैसा कि बताया कि अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, तो इस फॉर्म का क्या फॉर्म है इस पोएम का, वो भी हम लोग देखते हैं। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। देयर आर सम इम्परफेक्ट राइम स्कीम्स इन द पोएम। इट डज नॉट सीम टू फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है इस पोएम में हम देखेंगे कि इम्परफेक्ट राइम स्कीम है, रेगुलर राइम स्कीम आपको नहीं मिलने वाला है। और जब किसी पोएम में रेगुलर राइम स्कीम यूज नहीं होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। इट डज नॉट सीम टू फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इस पोएम में आप देखेंगे ध्यान से तो स्पेसिफिक एक ऑर्डर होता है राइम स्कीम का, वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये फ्री वर्स में। द टेक्स्ट ऑफ द पोएम कंटेन्स फोर स्टैंजर्स। पूरे पोएम में चार स्टैंजा आपको मिलेंगे। ईच स्टैंडा ऑफ द पोएम कंसिस्ट ऑफ एट लाइन्स हैविंग अनइवन लाइन लेंथ। हर एक स्टैंजा में आप देखेंगे आठ लाइनें हैं, एट लाइन्स करके हैं, लेकिन वो आठ लाइन का जो लेंथ है वो अनइवन लेंथ है। मतलब कोई लाइन छोटा तो कोई लाइन बड़ी लाइन हो गई, कोई छोटा लाइन कोई बड़ा लाइन, अनइवन लाइन्स है, मतलब एक समान नहीं है। द पोएम इज रिटन इन ए सिंपल स्टाइल। पोएम को लिखा गया बिल्कुल ही सिंपल स्टाइल में, विद द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। और ढेर सारा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, एंड इमेजेस, और इमेज यूज किया गया, इमेजरी यूज किया गया है, विच कन्वेज द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी एंड एंगर। और इसके द्वारा पोएट जो है अपना जो फीलिंग्स है उनका, पोएट का
और जो इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के प्रति जो सिंपैथी है, जो गुस्सा है, उसको उन्होंने दर्शाया है पोएटिक डिवाइस के माध्यम से। द इमेजेस कन्वेज द पॉवर्टी, इमेज क्या दिखा रहा है, पॉवर्टी यानी गरीबी को दिखा रहा है, हंगर उसके भूख, भुखमरी को, एंड नेग्लेक्टेड स्टेट स्कूल्स इन द स्लम्स, और इनके स्कूल कितना उपेक्षित है। सरकार और कोई भी एडुकेटर्स, मंत्री वगैरह, इनके स्कूलों पर उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है, स्कूलों का कोई विकास नहीं हुआ है। तो स्लम एरिया के स्कूल एकदम अन अपेक्षित है, ऐसा है। अब हम लोग थोड़ा वर्ड नोट्स में आते हैं, वर्ड नोट्स को समझ लेंगे तो पोएम को समझने में भी आसानी होगी। फार फार वेरी फार, आप देख रहे हैं यहाँ पर, फार फार वेरी फार, गस्टी लॉन्ग, फार फार का मतलब बहुत दूर, ठीक है, फार फार का मतलब बहुत दूर, गस्टी स्ट्रांग एंड इरेगुलर, ये गस्टी का मतलब हो गया, स्ट्रांग एंड इरेगुलर मतलब बहुत ही स्ट्रांग, मतलब मजबूत, और इरेगुलर ये जो आया है, ये समंदर में जो लहरें आती है उस लहरों को साथ कंपैरिजन किया गया, उसको ये गस्टी वेव्स कहा गया। समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो बहुत ही ताकतवर होती है, और इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब असमान रूप से, कभी आ रहा है तेजी से, कभी आ रहा है धीमी गति से, लेकिन आ रहा है, तो इरेगुलर है वो, असमान। गस्टी वेव्स फुल ऑफ एनर्जी, गस्टी वेव्स जो पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जो गस्टी वेव से समुंदर के लहरों के लिए हुआ है, लहरें जिस प्रकार मजबूत और ताकतवर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये बच्चे उस प्रकार के एनर्जेटिक नहीं हैं, उन बच्चों में उस प्रकार की ऊर्जा नहीं है, उस बच्चों के लिए ये यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वीड्स, वीड्स का मतलब वाइल्ड प्लांट्स अनवांटेड, जो जंगली पौधे जहाँ तहाँ अपने से निकलते हैं उसको वीड्स कहते हैं। रूटलेस का मतलब विदाउट रूट्स, बिना जड़ का, पौधों के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए ये हो जाएगा विदाउट फाउंडेशन, यानी जिसका कोई आधार ही नहीं है। टॉर्न मतलब अनकॉम्ब्ड, टॉर्न का मतलब जो बाल होते हैं, बाल को जब कंघी लगाया जाता है, कंघी से संवारा जाता है, तो वो कॉम्ब्ड हो गया, और कंघी अगर नहीं किया गया, बाल जहाँ तहाँ चेहरे पर छितराया हुआ है, तो उसको अनकॉम्ब्ड या टॉर्न कहते हैं। पैलोर, पेलफ्री, पेलफेस यानी जो चेहरे पर एक उदासीनता होती है, एक जो पीलापन होता है, उसको पैलर कहते हैं। टायरोलेज वैली का मतलब है ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश में एक बिना स्नो का, बिना बर्फ का एक बहुत ही सुंदर वैली है, उस वैली का नाम है टायरोलेज वैली। वेट डाउन का मतलब कीपिंग लो, वेट डाउन का मतलब सर को नीचे की ओर झुका कर रखना। स्टंटेड का मतलब अंडर डेवलप्ड, अविकसित। एयर का मतलब इनहेरिटर और सक्सेसर, यानी जो उत्तराधिकारी कहते हैं जिसको, वो है एयर। कैटाकॉम का मतलब अंडरग्राउंड बरियल, जो जमीन के नीचे में जो दफनाने के लिए जो चेम्बर बनाया जाता है, उसको कैटाकॉम कहते हैं। एज्योर का मतलब ब्लू कलर, जो नीला रंग होता है, आसमान का जो नीला रंग होता है, उस कलर को एज्योर कहते हैं। सिविलाइज डोम, सिविलाइज डोम एक एक्सप्रेशन आया है, इसका मतलब यहाँ पर इट मीन्स राइजिंग सन एट हॉरिजन, ठीक है। सिविलाइज डोम का मतलब ऐसे चर्च से मतलब है, लेकिन इस पोएम में इसका मतलब हो गया कि राइजिंग सन एट हॉरिजन, उगता हुआ जो सूरज है आसमान पे, विच इज द शेप ऑफ ए डोम, जिसका शेप कैसा है, डोम जैसा है। डोम का मतलब सेमी सर्कल, सूरज जब आपका उदय होता है तो उसका फॉर्म को आप देखेंगे, वो डोम शेप होगा, सेमी सर्कल का शेप में होता है। रिसाइटिंग, स्पीकिंग रिपीटेडली,
बार बार रिपीट करना, बोलना। नार्ल्ड का मतलब रफ और ट्विस्टेड, जो हड्डियां होती है, जो मुड़ी हुई होती है, उसको नार्ल्ड कहते हैं। अननोटेड का मतलब अननोटिस, बिना देखे हुए। सावर क्रीम, डल येलो कलर, सावर क्रीम एक एक्सप्रेशन आएगा शुरू में ही, इसका मतलब डल येलो कलर, जो येलो कलर जो जब घरों में जो वाइट वॉश या पेंट करते हैं और बहुत दिनों तक जब पेंट नहीं करते हैं तो उसका जो साइन है वो क्या होता है, धीरे धीरे डल हो जाता है, धुंधला हो जाता है और उसमें एक पीलापन आ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं सावर क्रीम। डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह के पहले यानी सूर्योदय से पहले का जो समय है उसको डॉन कहते हैं। बिल्ड मतलब इट रेफर्स टू चर्च, बिल्ड का मतलब यहाँ चर्च कहा गया, चर्च की घंटी से तात्पर्य है, लेकिन बिल्ड का एक और मतलब भी जान लीजिए। बेल का मतलब हो गया है जो फूल का, घंटी के शेप का, घंटी के आकार का। फ्लावरी का मतलब फुल ऑफ फ्लावर्स, पूरे फूलों से भरा हुआ। केप का मतलब है लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट, समुद्र में जो किनारा होता है उस किनारे में कुछ कुछ जगह आप देखेंगे जमीनी का, थोड़ा जमीन का भाग जो समुद्र से सटा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है किनारे से, उसको कहते हैं केप। टेम्पटिंग का मतलब इनवाइटिंग, टेम्पटिंग का मतलब ललचाने वाला, आकर्षित करने वाला। स्टाइल, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, चुपके से। क्रैम्प्ड का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा। स्लैग मतलब वेस्ट, रिजेक्ट्स यानी जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार का पदार्थ है उसको कहते हैं स्लैग। स्लैग शब्द एक्चुअली आया है फैक्ट्री से, फैक्ट्री में जब कुछ बनाते हैं तो जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन के बाद जैसे लोहे का या स्टील का जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ गिर जाता है उसको स्लैग कहते हैं। पीप डाउन, पीप थ्रू का मतलब विजिबल, मतलब जो पीप का मतलब होता है झांकना, यानी जो दिखाई पड़ने वाला है उसको कहते हैं पीप्ड थ्रू। मेंडेड का मतलब रिपेयर्ड, बिट्स मतलब पीसेस, टुकड़े। ब्लॉट का मतलब है मार्क विथ ए स्पॉट, एक धब्बा। डिजोनर यहाँ उसका मीनिंग हो गया डिजोनर यानी असम्मान, और डूम का मतलब हो गया डिजास्टर या मिसफॉर्चून। डिजास्टर या मिसफॉर्चून का मतलब दुर्घटना या फिर कोई आपदा, ठीक है। पोएटिक डिवाइस हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग मैसेज ऑफ द पोएम को देखते हैं। इस पोएम से हम लोगों को, रीडर्स को कौन सा मैसेज मिलने वाला है। द पोएट मेक्स ए फ्रेंटिक अपील टू द एडुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन थ्रू द एडुकेशन। यहाँ पोएट जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनके और साथ साथ जो एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट का मतलब जो धनी है, संपन्न है, समाज के ऐसे तबके के लोगों से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, इन बच्चों का तकदीर को बदलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और ये तकदीर बदलना कैसे है, तो थ्रू एजुकेशन, यानी इनको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के जरिए इनका भाग्य को बदल दिया जाए, ऐसा एक रिक्वेस्ट वो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो संपन्न परिवार है, धनी है, ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं। इट विल रिमूव सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जब इनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, इनका भाग्य चमकेगा, बदलेगा, उससे क्या होगा कि समाज में जो व्याप्त इनजस्टिस है, जो इनके प्रति अन्याय हो रहा है वो, और जो क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं, जो एक नफरत है उन नीचे जाति के लिए या नीचे तबके के गरीबों के लिए, वो क्लास इनइक्वालिटीज़ भी इस एजुकेशन के जरिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया एक मैसेज हम लोगों को दिए इस पॉइंट से। स्टैंजा वन एक्सप्लेनेशन, अब हम लोग आते हैं स्टैंजा वन में। स्टैंजा वन में जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग
Far, far from gusty waves, these children's faces look rootless weeds. The air was torn around their pallor. The tall girl with the weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesion from his desk at back of his dim class, one unnoted sweet young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो ये जो पोएम का पहला स्टैंजा है, इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारा कलरफुल वर्ड्स आपको मिल रहा है, येलो, ब्लू, थोड़ा सा लाइट ब्लू में. ये क्या है? तो ये वो वर्ड्स है जिसका अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वर्ड नोट्स पढ़े, फार फार का पढ़े थे, फ्रॉम गस्टी वेव्स का पढ़े थे, रूटलेस का पढ़े, विड्स का पढ़े, टॉर्न का पढ़े, पैलर का पढ़े, वेट डाउन का भी पढ़े, स्टंटेड का पढ़े, रोसाइटिंग का पढ़े, नार्ल्ड का पढ़े, अननोटेड का पढ़े. तो ये जो हम लोग पढ़े, जिस जिस वर्ड्स का हम लोग वर्ड नोट्स पढ़े, वो वर्ड नोट्स वाला यहाँ पर अलग से कलर में दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो ये समझने में कि इसका वर्ड नोट्स हमको वर्ड नोट्स का स्लाइड्स में मिलने वाला है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आते हैं. द पोएट सेज दैट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ स्लम स्कूल इज पैथेटिक. ये जो पहला स्टैंजा है, इसमें पोएट ये हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्लम स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है, पैथेटिक है. देयर हेड इज फार रिमूव फ्रॉम द ओपन. ठीक है, ओपन इनका जो जीवन है वो बाकी बच्चे जिस प्रकार से खुली आसमान के नीचे जीते हैं, फ्री जीते हैं, मुक्त रूप से जीते हैं, फ्रीडम है, इन बच्चों के जीवन में इस प्रकार का फ्रीडम नहीं है. और ये झुग्गी झोपड़ियों में अंधेरे में रहने के लिए बाध्य है, इसलिए ये वहीं तक सीमित है. ठीक है, हेल्दी एनवायरमेंट, दे आर एज अनवांटेड एज द रूटलेस वीड्स. उनका स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक नहीं है, एनवायरमेंट जो वहाँ का है वो हेल्दी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. दे आर एज अनवांटेड एज द रूटलेस वीड्स. उनको कंपेरिजन कर रहे हैं पोएट कि वो बिल्कुल उसी प्रकार के अनवांटेड हैं, अवांछित हैं, जैसे कि जंगली पौधे होते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनको ध्यान जिन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, न कभी उस पर पानी दिया जाता है, न ये दिया जाता है, वो अपने आप बढ़ते हैं. उसी प्रकार ये बच्चे हैं, इनको समाज में दूसरे लोगों को इनके प्रति कोई ध्यान नहीं है, ये जैसे मानो अवांछित है, अनापेक्षित है. देयर हेयर इज अनकॉम्ब्ड एंड दे हैव पेल फेसेस विच क्लियरली इंडिकेट दे आर डिप्राइव्ड एंड अंडर नॉरिश्ड कंडीशंस. उनका चेहरे का जो अपीयरेंस यहाँ वर्णन किए हैं, चेहरे पर बाल जैसे तैसे बिखरे हुए हैं, दे हैव पेल फेसेस, उनका चेहरा में एक अजीब का पीलापन है, एक बच्चों के अंदर जो ग्लेज होता है वो ग्लेज इनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, और उस ग्लेज की कमी के कारण वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दे आर डिप्राइव्ड एंड अंडर नॉरिश्ड कंडीशन. वो बताता है कि ये कितने गरीब परिवार से है, इनको ठीक से खाना नसीब नहीं होता है, और जिसका नतीजा ये है कि इनकी जो वृद्धि है, जो डेवलपमेंट है बॉडी का, वो ढंग से नहीं हुआ है, इनको पौष्टिकता का अभाव है. दीज चिल्ड्रेन एज द टॉल गर्ल, इन बच्चों में दो तीन बच्चों का एक अपीयरेंस यहाँ देने की कोशिश किए हैं. जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उसमें से एक लंबी सी लड़की है, आर स्ट्रेस्ड बाय द बर्डन ऑफ देयर सरकमस्टेंसेस. वो जो है अपना सरकमस्टेंस के कारण
अपने घर की जो परिस्थिति है उसके कारण, घर में जो गरीबी है उसके कारण वो परेशान है, और परेशान होने के कारण उनका सर जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। जैसे मानो समझ में आ रहा है कि उसके घर में परिवार में बहुत सारा बोझ उसके ऊपर है, गरीबी का बोझ, चिंताओं का बोझ, कष्टों का बोझ, इन बोझों के तले वो दबी हुई है और इसीलिए उनका सर जो है वो नीचे की ओर झुकी हुई है। दे आर एग्जॉस्टेड बोथ फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, शारीरिक रूप से वो बहुत ही थके हुए महसूस हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी, इमोशनली भी वो बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं। वो चेहरे से वो खुशी बच्चों के अंदर जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। द लीन एंड थीन, एक दूसरे बच्चे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि एक बहुत ही पतले दुबले बच्चे हैं जिसको कंपैरिजन किया गया पेपर स्विमिंग के साथ। पेपर स्विमिंग का मतलब होता है एज थीन एज पेपर, मतलब एक कागज जिस प्रकार का पतला होता है उसी प्रकार उस पेपर स्विमिंग बॉय को पतले कागज से तुलना किया गया है, क्योंकि वो बच्चा इतना दुबला पतला है कि उसके शरीर में मांस ही जैसे नहीं है और वो स्किनी दिख रहा है, उसका सिर्फ हड्डियां दिख रही है। हिज आईज हैव ए स्केयर्ड लुक, आंखों में एक अजीब किस्म की भय उसके अंदर व्याप्त है, उसका चेहरे से पता चल रहा है। दीज अनफॉर्चुनेट बींग्स हैव इनहेरिटेड ओनली डिजीज एंड बैड लक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये बच्चे इतने अभागा हैं कि इनको अपने माता पिता से जो विरासत में मिली है वो क्या मिली है, तो विरासत में इनको अपने माता पिता से बीमारियां मिली है और बैड लक, दुर्भाग्य मिला है, और कुछ नहीं मिला है। माता पिता के अधिकार से, माता पिता के कारण बच्चों को जो संपत्ति, पैसा, शिक्षा वो मिलती है वो इनको नहीं मिला। उनको मिला क्या है, तो जन्म परिवार का जो है वो परिवार का वो बीमारियां मिली है और साथ ही साथ उनका बैड लक मिला हुआ है। वन ऑफ डिजीज वन कैन इवन गेट अप फ्रॉम द डेस्क टू रिसाइट हिज लेसन, उसमें से क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसके पैर मुड़े हुए हैं, हड्डियां मुड़ी हुई है, वो ठीक से अपने डेस्क पर खड़ा होकर पढ़ नहीं पा रहा है। उसको पढ़ने के लिए कहा गया है तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए वो बैठे बैठे पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसके पैर जो है, उसके हड्डियां जो है वो मुड़ी हुई है, और ये जो बीमारी है ये बीमारी उसको पैतृक रूप से विरासत में अपने माता पिता से मिला है। हाउएवर देयर इज वन चाइल्ड एट द बैक ऑफ द क्लास हु इज यंगर, हालांकि उसमें से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ऐसा भी है जो एकदम कक्षा के पीछे में बैठा हुआ है और बाकी बच्चों से बिल्कुल छोटा है। ही इज इनएक्सपीरियंस्ड आईज आर फुल ऑफ होप, वो बच्चा इतना छोटा है कि जीवन का कोई अनुभव उसको नहीं है, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो जीवन है वो आशाओं से भरा हुआ है, वो होपलेस नहीं है बाकी बच्चों की तरह, उसके अंदर आशा जीवित है। एंड ही इज ड्रीमिंग अबाउट प्लेइंग गेम्स इन द ओपन, अभी भी वो एक सपना देख रहा है कि खुले आसमान के नीचे बाकी बच्चों की तरह हम भी क्या करेंगे, खेलेंगे। ये सपना बाकी बच्चे नहीं देखते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे ये मान कर चलते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में सिर्फ झुग्गी झोपड़ी तक ही सीमित है। लेकिन ये बच्चा जो है, ये इनके आंखों में सपना है, ये सपना देख रहे हैं कि कभी ना कभी हम खुले आसमान के नीचे खेलेंगे, गिलहरी के जैसा खेलेंगे। अपेरेंटली ग्लूम हैज स्टिल नॉट एनवेलप्ड हिम, बाकी बच्चों को जिस प्रकार से जो उसका जो दुर्भाग्य है, जो निराशा उसको चारों तरफ से घेर कर रखे हुए हैं, जिसके कारण वो सपना देखना भी भूल गए हैं, इस छोटे से बच्चे में वो बात नहीं थी। वो उस निराशा से थोड़ा अलग हटके अभी भी उसके अंदर एक आशा की किरण नज़र आती है,
और वो सपना देखता है कि हम भी बाकी बच्चों की तरह, गिलहरी के तरह ओपन स्पेस में खुले आसमान के नीचे खेलेंगे। तो ये आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट स्टैंजा तक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द पोएम को कवर करेंगे। बहुत जल्दी आपके सामने हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नया नया वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबाइए, अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें इनकरेजमेंट मिलेगा। आई बटन में लिंक दिया हुआ है पुराने वीडियोस का, उसको आप देखें विजिट करके। डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारे सारे वीडियोस के लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर आप विजिट करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।